वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हैं। अनिल देशमुख के वकील के मुताबिक वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कई बार ईडी की तरफ से देशमुख को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे थे। अनिल देशमुख के साथ उनके वकील भी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ इस मामले में होगी। कई बार समन भेजा गया लेकिन अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्हें ईडी दफ्तर आना ही पड़ा है। अपने वकीलों के साथ वो हैं वहां पर और उनके वकीलों का ये कहना है कि वो आज इस मामले को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन पर कई बड़े आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना वो इस वक्त कर रहे हैं और इसी मामले में जांच हो रही है। ईडी ने कई समन उन्हें इसी से जुड़े हुए भेजे थे, जिसमें वो पूछताछ करना चाहती है अनिल देशमुख से, लेकिन अब तक अनिल देशमुख नहीं गए थे, लेकिन आज ईडी के दफ्तर में वो मौजूद हैं। जांच अधिकारियों के सामने आज वो अपना बयान दर्ज कराएंगे, ऐसी जानकारी अनिल देशमुख के वकीलों के तरफ से दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को वो खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये, जिसमें उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, जिसके बाद अब वो उन सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां उनसे सवाल जवाब होंगे। जांच अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे अनिल देशमुख। बड़ी खबर इस वक्त की। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री हैं अनिल देशमुख, लगातार विवादों में घिरे रहे। ईडी की तरफ से कई बार पहले बुलावा भेजा गया लेकिन पहुंचे नहीं, और अब वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का ये पूरा मामला, जिसके तहत आखिरकार पूर्व गृहमंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख इस वक्त ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। अनिल देशमुख के साथ उनके वकील भी मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनिल देशमुख अपना बयान ईडी के अधिकारी के सामने दर्ज कराएंगे। मुंबई के ईडी दफ्तर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अनिल देशमुख पहुंच चुके हैं। जांच अधिकारी हैं तसीन सुल्तान। तसीन सुल्तान जो हैं वो अनिल देशमुख का बयान दर्ज करेंगे। ये पूरा मामला वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, इसी को लेकर सवाल उठे। विवादों में घिरे अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहे हैं अनिल देशमुख, इसी चक्कर में अनिल देशमुख की कुर्सी गई और अब अनिल देशमुख की ये तस्वीर आपके सामने। ईडी दफ्तर अनिल देशमुख पहुंच गए हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। हालांकि काफी टालमटोल अनिल देशमुख की तरफ से इस मामले में की गई, ईडी की तरफ से उन्हें बार बार बुलाया जा रहा था कि वो पहुंचे दफ्तर और बयान दर्ज कराएं। सेहत का हवाला देकर अनिल देशमुख पहले नहीं पहुंचे थे और अब आखिरकार अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं अनिल देशमुख। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से किस तरीके से आखिरकार अनिल देशमुख को आज ईडी दफ्तर पहुंचना ही पड़ा है मृत्युंजय बयान दर्ज कराने के लिए। निश्चित तौर पर रोमाना, आखिरकार अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी दफ्तर आना ही पड़ा। मुंबई के बलार्ड पियर की चौथी मंजिल पर ईडी दफ्तर है, जहां पर कुछ समय पहले ही अनिल देशमुख पहुंचे हुए हैं। पिछले 2 महीने से फरार थे, कोई संपर्क नहीं हो रहा था, लेकिन लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उनके जो सहयोगी हैं अशोक जगताप, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उन्होंने जो फैसला लिया कि वो खुद ईडी दफ्तर आएंगे और सवालों के जवाब देंगे। आपको बता दें कि इसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी थी, अचानक वो ईडी दफ्तर पहुंचे और यहां देखिए मुंबई पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंच गए और बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को थोड़ा खाली कराया जा रहा है, जगह बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे, पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमवीर सिंह, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाया था और उसके बाद से ही अनिल देशमुख पर जांच का सिलसिला शुरू हुआ था। ईडी लगातार जांच कर रही थी और ईडी ने कई बार उन्हें समन किया था, लगभग 5 बार समन किया था। इसके पहले जब ईडी ने समन किया था तो उन्होंने एक बार अपनी बीमारी का हवाला दिया था, दूसरी बार कोरोना का कारण बताया था, तीसरी बार कहा था कि वो ऑनलाइन माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से वो जवाब देने के लिए उपलब्ध है, लेकिन ईडी से संतुष्ट नहीं था। ईडी ने 5 बार
लगातार समन जारी करने के बाद वो नहीं आए। आखिरकार इसके बाद जो ये खुद ही अनिल देशमुख लापता हो गए थे और लगभग 2 महीने बाद वो आए हैं और ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो इनका बयान दर्ज करेंगे। इस बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, क्या कुछ होता है, कैसे मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि 2 महीने बाद अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री जो अब तक लापता थे, वो खुद ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। जी मृत्युंजय, देखिए 5 समन जारी हुए उन्हें, हर बार किसी न किसी बिटाल मटोल के साथ वो अपना बता देते थे कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार आज उन्हें आना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर ईडी ने भी अपनी पूरी तैयारी की होगी, जांच अधिकारियों ने एक सवालों की फहरिस्त तैयार की गई होगी जिससे जिसका सामना आज अनिल देशमुख को करना होगा। निश्चित तौर पर रोमाना, ईडी के अधिकारियों ने तैयारी तो काफी पहले की थी, लेकिन चूंकि ये अचानक से अनिल देशमुख पहुंचे हुए हैं, हालांकि ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो यहां पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। ईडी के यही चौथी मंजिल पर जो कैसे रहे हिंदी बिल्डिंग है, इसी की चौथी मंजिल पर उनसे पूछताछ होगा। निश्चित तौर पर 2 महीने तक उनकी कोई खोज खबर नहीं थी, ऐसे पर ईडी के अधिकारी भी क्या इसके लिए तैयार है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इसके पहले जब 5 बार समन किया गया था तब ईडी के अधिकारी तैयार थे, उनसे पूछताछ किया जाना था, भी पूछताछ किया जाना था और उस वक्त सवाल भी तैयार किए गए थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद उनको जमानत भी मिल चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें बीच में हुई, लेकिन अब अचानक से अनिल देशमुख यहाँ पहुंचे हुए हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारी यहाँ पर तैयार तो होंगे ही, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आज सिर्फ पूछताछ होती है, उन्हें जाने दिया जाता है या उन्हें रोका जाएगा या गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मृत्युंजय। अनिल देशमुख 5 बार ईडी की तरफ से समन किया गया था, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह का ढाल बनाकर अनिल देशमुख पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन आखिरकार आज अनिल देशमुख को ईडी के सामने पहुंचना पड़ा है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। अनिल देशमुख इस वक्त पहुंच चुके हैं, ईडी दफ्तर में हैं और मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये मराठी में जो अनिल देशमुख की तरफ से बयान जारी किया गया, एक तो इसका लबोलुबाब और क्या अनिल देशमुख इस बात को समझ रहे हैं कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अनिल देशमुख पर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनिल देशमुख यहाँ आने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज पहले ही तैयार कर लिया था ताकि वो अपने वकीलों के माध्यम से वो वीडियो मैसेज मीडिया तक पहुँचा सके। मुंबई के बलार पियर के इसी कैसर हिंद बिल्डिंग में उनसे पूछताछ होगी। मैं आपको बता दूँ कि अनिल देशमुख ने आखिरकार अपने बयान में कहा क्या है, क्या क्या कहा है। पहली बात, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ईडी के जाँच में सहयोग किया है, मेरे बारे में बहुत सारी गलत खबरें फैलाई गई और मैंने हर बार, न केवल मैंने बल्कि मेरे अन्य कर्मचारियों ने भी पूरी तरह से सहयोग किया है। ईडी ने मेरे घर, दफ्तर, नागपुर से लेकर मुंबई तक हर जगह पर छापेमारी की और मैंने उस दौरान भी पूरा सहयोग किया। इस मामले को लेकर मैं बॉम्बे हाईकोर्ट भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा जो केस है वो उसकी सुनवाई चल रही है आपको। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईडी कार्यालय में जाकर आज भी मैं पूरे सहकार्य करूंगा, यानी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। इसके अलावा अनिल देशमुख ने अपने बयान में कहा कि मेरे घर पर, दफ्तर पर, मेरे परिजनों के घर पर भी ईडी ने जो छापेमारी की है उस दौरान भी मैंने पूरा सहयोग किया है, मैंने नियमों का पालन किया है। और परमवीर सिंह ने जो मुझ पर आरोप लगाए वो बेबुनियाद आरोप है, गलत आरोप है। साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि परमवीर सिंह खुद देश से क्या बाहर भाग गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि परमवीर सिंह देश से बाहर चले गए। तो ये मोटी मोटी बातें जो है वो अनिल देशमुख ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से पहुंचाई है। आपको बता दें कि यहाँ जाहिर तौर पर इस वीडियो में वो अपना बचाव करते ही नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, मैं और मेरी पूरी टीम सहयोग कर रही है ईडी को। परमवीर सिंह पर आरोपों को वो झूठा बताते हुए भी कह रहे हैं कि भाई वो कहाँ है, उनका भी तो पता लगाना चाहिए ना। ठीक है मृत्युंजय, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी हम लेंगे। लेकिन अनिल देशमुख तो देखिए ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं कई समन जारी होने के बाद, लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह फरार चल रहे हैं। कल संजय निरुपम ने कहा था कि परमवीर बेल्जियम में मौजूद हैं। एक बार जरा उनकी बात सुनिए। ऐसा व्यक्ति सीबीआई के पकड़ से बाहर हो गया और हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो इस समय बेल्जियम में है। तो बेल्जियम गया कैसे, उसको जाने कैसे दिया गया, क्या उसके जाने का इंतजाम किया गया, उसके भागने या भगाने का इंतजाम किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे भी सवाल उठता है। ऐसा जो मेरे पास जो मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ से नेपाल होते हुए बेल्जियम निकला, यूरोप निकला। तो अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, लेकिन परमवीर सिंह कहां हैं, इसे लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम के ये सवाल, सियासत कुल मिलाकर अब गर्माती हुई। एक
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।